नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में मुद्दा चाहे कितना भी सीरियस हो, अंततः लोग उसे मजाक बना ही देते हैं। चाहे वो शराबबंदी से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर कोरोना संक्रमण का मामला। आपको याद होगा मधेपुरा का वो मामला, जहां पर 84 वर्षीय ब्रह्मदेव मंडल ने 12 बार कोरोना की वैक्सीन ली थी। आप कह सकते हैं कि वो अनपढ़ होंगे, गंवार होंगे, गांव के होंगे, इसलिए उन्हें अकल नहीं थी। फर्जीवाड़ा कर दिया, कोरोना से बचने के नाम पर बार बार वैक्सीन ले ली, और कार्रवाई भी हो रही है, लोग जांच कर रहे हैं, तलाश कर रही है पुलिस की आखिरकार ब्रह्मदेव मंडल है कहां। लेकिन अभी अभी जो मामला निकल कर आया है वो काफी चौंका देने वाला है। एक पढ़ी लिखी डॉक्टर, जिनके ऊपर खुद वैक्सीन देने की, वैक्सीनेशन करवाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने 5 बार कोरोना की वैक्सीन ले ली, और ये खुलासा दैनिक भास्कर ने किया है। पटना की सिविल सर्जन ने ये कांड किया है, 5 बार कोरोना की वैक्सीन ले ली है, कोविन सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की है, जो कि इलीगल तो है ही, और साथ ही साथ शर्मनाक भी कि इतने बड़े ओहदे पर होकर, ये नहीं कि ये किसी और डिपार्टमेंट की है, इन्हें मेडिकल की जिम्मेदारी नहीं है, सिविल सर्जन है पटना की। आप समझिए कितना बड़ा ओहदा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी बड़ी जवाबदेही। इसके बावजूद भी डॉक्टर साहिबा ने ऐसा काम किया है। पहले आपको पूरी खबर बताते हैं और ये भी बताएंगे कि आखिरकार इस कांड को कैसे कैसे अंजाम दिया गया है, कैसे इन्होंने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के सहारे 5 बार कोरोना का टीका ले लिया है, वो भी काफी कम दिनों के अंतराल में। बिहार में वैक्सीनेशन में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बार ये कारनामा किसी आम व्यक्ति ने नहीं किया है, वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी उठाने वाली पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया है। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर डॉक्टर साहिबा ने कोविशील्ड की 5 डोजेज ले ली है। वैक्सीन की 5 डोजेज के लिए उन्होंने 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, एक में आधार कार्ड और दूसरे में पैन कार्ड का इस्तेमाल किया है। आपको तो पता होगा ही कि वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग पहचान पत्र मान्य किए गए हैं सरकार की तरफ से, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड तो शामिल है ही। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए ही डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने 5 दफे कोरोना की वैक्सीन ले ली। खुलासा दैनिक भास्कर किया है। वैक्सीनेशन से जुड़े कागजात इनके हाथों लगे और पता चला कि महज 350 दिनों के भीतर विभा कुमारी सिंह ने कोरोना की 5 डोजेज ले ली। पहले रजिस्ट्रेशन पर 2 डोज और दूसरे पर दोनों डोजेस के साथ एक प्रिकॉशन डोज भी ले लिया है, और ये नियमों के विरुद्ध है। आप समझ सकते हैं कि सिविल सर्जन की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, और इतने बड़े ओहदे पर, इतनी बड़ी जवाबदेही के साथ विभा कुमारी सिंह ने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। 5 वैक्सीन की डोजेज ले ली। इससे पहले आपको ब्रह्मदेव मंडल का मामला याद होगा, 12 बार कोरोना की वैक्सीन ले ली और कोविन का जो सिस्टम है उसको तोड़ने की कोशिश की। भारत सरकार के पास ये मामला चला गया, खोज हो रही है कि आखिरकार वो व्यक्ति कहां है और ऐसा उन्होंने क्यों किया। अब आते हैं विभा कुमारी सिंह पर कि आखिरकार इस फर्जीवाड़े को कैसे अंजाम दिया गया। बात 6 जनवरी 2021 की है। पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह को कोविशील्ड की पहली डोज दी गई है। इसके लिए सिविल सर्जन ने अपना पैन कार्ड का इस्तेमाल किया है। सिविल सर्जन ने इसी रजिस्ट्रेशन पर 17 जून 2021 को दूसरी डोज भी ली। वह 17 जून 2021 को दोनों डोज लेने के बाद फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गई थी। दोनों डोज पूरा करने के बाद उन्हें फुल्ली वैक्सीनेटेड का प्रमाण पत्र भी बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी से जारी कर दिया गया, जैसा कि आम लोगों को जारी होता है। जब आप कोरोना की वैक्सीन ले लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसी तरह से पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह को भी फुल्ली वैक्सीनेटेड होने का सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया। उन्होंने कोविन पोर्टल से जाकर उसे डाउनलोड भी किया, और प्रमाण पत्र में वैक्सीनेशन का स्थान गर्दनी बाग हॉस्पिटल और वैक्सीनेटर का नाम सुषमा कुमारी दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे दफे की, यानी कि जब उन्होंने 4 डोजेस पूरे किए। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने दूसरा रजिस्ट्रेशन अपने आधार कार्ड पर 6 फरवरी 2021 को ही करा लिया था, यानी कि पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज पूरे होने से पहले उन्होंने दूसरी बार, यानी कि तीसरी डोज के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। तारीख 6 फरवरी 2021 की बताई जा रही है। आधार नंबर और यूनिक हेल्थ आईडी
से 6 फरवरी 2021 को पहली डोज कोविशील्ड की ले ली और 12 मार्च 2021 को दूसरी डोज लगवा ली। इसके बाद 13 जनवरी 2022 को प्रिकॉशन डोज इन्होंने लगा लिया है, यानी कि ये जो मामला है वो महज कुछ दिनों पहले का है जब उन्होंने प्रिकॉशन डोज लिया। बिहार में शुरुआत हुई थी प्रिकॉशन डोज की, उन्हें 13 जनवरी 2022 को फुल्ली वैक्सीनेटेड होने का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। फुल्ली वैक्सीनेटेड के प्रमाण पत्र में पहली और दूसरी डोज के साथ प्रिकॉशन डोज का भी उल्लेख किया गया है। इस सर्टिफिकेट में बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी के साथ वैक्सीनेशन का स्थान गर्दनी बाग हॉस्पिटल और वैक्सीनेटर का नाम निशा कुमारी दर्ज है। अब समझिए कि एक महिला ने जो कि सिविल सर्जन है पटना की, 4 दफे वैक्सीनेशन करवाया अपना और प्रिकॉशनरी डोज मिलाकर 5 दफे, वो भी एक ही जगह से, गर्दनी बाग हॉस्पिटल से। वैक्सीनेटर का नाम बस अलग अलग है, हॉस्पिटल एक है, वहीं पर उन्होंने 5 दफे कोरोना की वैक्सीन ले ली और इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दे दिया। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार सिविल सर्जन के पद पर होकर विभा कुमारी सिंह ने इस तरह की घटना को अंजाम कैसे दिया, आखिरकार उनकी मंशा क्या थी, क्या फायदे हैं इतने ज्यादा कोरोना के डोजेस लेकर। जब ब्रह्मदेव मंडल जैसे लोगों का मामला निकल कर आता है तो एक हद तक बात समझ में आती है, हो सकता है उन्हें उतनी जानकारी ना हो, ये सोचते होंगे कि ज्यादा डोजेस लेंगे तो कोरोना से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे या कोई और बात हो सकती है। लेकिन विभा कुमारी सिंह जो पटना की सिविल सर्जन है, वो 5 दफे कोरोना का वैक्सीन ले रही है, तो ये मामला बिल्कुल भी दिमाग के ऊपर ऊपर से जा रहा है कि आखिरकार इनके मन में क्या चल रहा था। डॉक्टर होने के बावजूद जब हर किसी को कहा गया है कि कोरोना की 2 डोजेस काफी है और उसके बाद प्रिकॉशनरी डोज भी एक तय समय के बाद ही लेना है, उसके बावजूद पटना के सिविल सर्जन ने 5-5 डोजेस ले लिए, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया। और फिर अब इंतजार है कि आखिरकार ये जवाब में क्या कहती है। लेकिन सवाल अब कोविन पोर्टल पर भी उठ रहे हैं, सरकार के सिस्टम पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति के नाम से जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आधार कार्ड हो या फिर कोई भी पहचान पत्र हो, उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो बार बार इसे कैसे किया जा रहा है, गड़बड़ी कैसे हो रही है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये कोई आम व्यक्ति का मामला नहीं है। पटना की सिविल सर्जन, जिनके ऊपर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है, वैक्सीनेशन करवाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने खुद 5 दफे वैक्सीनेशन करवा लिया है और ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। अब देखना होगा कि विभा कुमारी सिंह के साथ बिहार सरकार क्या करती है और कैसे विभा कुमारी सिंह इन सवालों का जवाब दे पाती है। तमाम अपडेट्स हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।